तो एक्सपीरियंस एज प्लेइंग एज नरगिस सच्ची, वेल इट्स बीन अ ऑनर टू प्ले हर. शी इज सच अ लेजेंडरी फिगर एंड सो आई फील यू नो राजी ऑफरिंग मी दिस काइंड ऑफ अ रोल. आई वाज लिटिल, पहले तो मैं थोड़ा सा आई वाज नर्वस एंड स्टफ लाइक दैट, बट बाद में टू बी पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटिफुल फिल्म and to play Nargis Dutchi is a great honor, I feel. Okay, kya matlab research kahe ki aap kuch film mein dekhi aapne Nargis ji, kis tarah se isme basically maine Raji ne mujhe dikhaya kya kehte hain documentaries. तो उसको देख के मैं आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नरगिस दत्ती. देन प्रिया दत्त जी मुझे मिली, उन्होंने मुझे किताब दिया, तो वो उसको देख के उसे पढ़ के मुझे आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हर स्पिरिट, हर सोल, हर दिस थिंग एंड सो दैट्स हाउ इट इज़. संजय दत्त से बात हुई थी आपकी, क्या उनसे डिस्कशन हुआ? जी नहीं, नहीं किया था मैंने. आई डिड नॉट गेट दैट बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू फॉलो द डायरेक्टर्स विजन. और उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके दिया था, जो भी मुझे क्वेश्चन वगैरह पूछने थे तो आई आस्क्ड हिम. आप संजय दत्त के साथ पहले काम कर चुकी हैं, तो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आप पे कैसा था? मैं संजय दत्त की फ़ैन रही हूँ, तो जब मैं स्कूल में थी तो रॉकी रिलीज़ हुई थी, सो फिर उसके बाद सालों के बाद मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो आई वॉज ऑलवेज इन ऑल ऑफ हिम एंड ही इज़ ऑलवेज बीन माई यू नो स्टार एंड हीरो एंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नो समबडी दैट यू सी फ्रॉम डिस्टेंस एंड एडमायर. सो यू नो संजय दत्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो क्या उन्होंने कभी आपके लिए ऐसा कुछ किया जो आपके दिल को बहुत छू गई हो बात? बेसिकली बाबा इज ऑल हार्ट. He is a person who has a heart of gold, rightly said. And the qualities that I've seen in him is that from a spot boy to the lightman to the big directors to big actors to actresses, whoever, they actually love him because he's full of love and affection. And वो ऐसा कुछ differentiate नहीं करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन किसके साथ. वो कभी भी क्या कहते हैं दिमाग से कैलकुलेटिव ढंग से वो गए नहीं, दिल से गए हैं. तो हनीशा जी, हाँ जी, मनीषा जी, नरगिस दत्त आपकी, आप नरगिस दत्त को प्ले कर रहे थे, आपकी कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस थी जब आप छोटे थे? काफ़ी थी एक्चुअली, मैं फिल्मों की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ. और जब मैं छोटी थी तो मैंने मासूम देखी थी, उसमें जो यंग लोग थे उसमें काफ़ी मुझे पसंद आए थे. और शबाना आज़मी थी, शबाना आज़मी जी की मैंने अर्थ देखी, तब से मैं उनकी बहुत फ़ैन रही हुई हूँ. और काफ़ी एक्ट्रेसेस का काम देखा, एक्टर का काम देखा, और यू नो आई जस्ट फैंटास्टिक. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर and very hard working. I think he's born for genius kind of performances, and you know acting is in his blood. He's very pleasant person to work with because bahut hi acche, well behaved and you know well brought up person, you know lagta hai, you know. And I was really shocked when I saw the rushes of Sanju. I could not differentiate between the Ranbir Kapoor and Sanjay Dutt. He, उन्होंने इतना अच्छा, इतना बढ़िया काम किया सर ने. सुराजकुमार सर ने आपको बाद में नरगिस के रूप में सबके सामने लाया, लेकिन सुनील दत्त के साथ भी क्या कोलैबोरेशन थी जो आपके साथ कोई कन्वर्सेशन हुई हो जो आपकी? बेसिकली मेरी जब फिल्म बॉम्बे रिलीज़ हुई थी तो सुनील दत्त साहब ने अपने थिएटर अजंता आर्ट्स में ट्रायल शो रखा था, और उसमें वो ही सॉ द फिल्म. और उसके बाद मुझे तुरंत फ़ोन किया था कि बेटा मैंने तुम्हारी फिल्म देखी और मुझे बहुत नरगिस दत्त जी की याद आई. तो आई फेल इट्स सच अ ग्रेट ऑनर, सच अ ग्रेट यू नो अप्रिसिएशन ऑफ माई वर्क, एंड आई वॉज वेरी वेरी थ्रिल्ड. मुझे उस वक्त ये नहीं मालूम था कि बरसों बाद मैं उनका किरदार करूंगी, नरगिस दत्त जी का कैरेक्टर मुझे करने को मिलेगा, मुझे ये नहीं मालूम था. मनीषा जी, ऐसे भी आपने कहा रणवीर ने बखूबी निभाया है संजय दत्त के इस किरदार को, अलग अलग फेस हो जाए उनकी लाइफ के, आप पे अगर आपकी लाइफ पे बात बने, कौन
कौन लगता है बॉलीवुड में से कौन प्ले कर आप किसे चाहोगे? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक आई वांट टू मेरे लाइफ में कोई फिल्म बने, लेकिन या इफ इट्स देन मे बी कंगना और मे बी आलिया, आई डोंट नो, मे बी ईदर ऑफ देम। सो वैसे तो हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, लेकिन संजू मूवी करके आपको ऐसा लगा कि संजय दत्त और आपकी लाइफ में कुछ सिमिलैरिटी रही है? आई गेस द फैक्ट दैट वी सफर्ड, सो आई गेस दैट, बट I don't think there is anything similarities in that. वैसे आप कैंसर से बैटल करके जीती हैं और नरगिस जी की डेथ अनफॉर्चुनेटली उस वजह से हुई थी, तो क्या वो पार्ट वो दौरान जब आप जी रही थी तो क्या इमोशनल हो रही थी या फिर आपने जस्ट एज अ रोल दिया? नो एक्चुअली मैं इस रीज़न से ज़्यादा एप्रिहेंसिव थी कि मुझे वो मेमोरीज मुझे रीलिव नहीं करना था, और मैं जानती भी नहीं थी कि मैं वो रीलिव कर पाऊँगी या नहीं, तो मुझे इस चीज़ से थोड़ा एप्रिहेंशन था, क्योंकि एक तो राजी की फिल्मों के मैं फ़ैन रही हूँ और मेरे फेवरेट को स्टार के ऊपर फिल्म बन रही है, तो मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट अगेन द फियर ऑफ टू रीलिव दोज मोमेंट वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो आई वॉज वेरी एप्रिहेंसिव बिकॉज ऑफ दैट। तो सेट पर कैसा था? नहीं एक्चुअली फिर मैंने ये सर से बोल दिया कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है सर, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने कहा इट्स नॉट द फिल्म डजेंट रिवॉल्व अराउंड दैट सिचुएशन, और इसमें ज़्यादा हम ड्वेल नहीं करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो आई गॉट यू नो नरगिस जी, संजू जी को भी आप कुछ जानते हो, तो पिक्चर में जो लाइफ दिखाई है संजू को आप रियल में जानते हो, कितना डिफरेंस लगा आपको ये सब? नहीं ये तो रियल लाइफ के ऊपर बनी है तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप जितना जानती हो उनको काफ़ी उतार चढ़ाव थे, कुछ सारे कई सारे चीज जो थे हमको पब्लिक को भी नहीं पता थी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चली होगी, तो क्या? हाँ बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ के बारे में मुझे पता नहीं था, और इस फिल्म को जब मैंने देखा कुछ दिनों पहले तो मुझे लगा ओ माई गॉड, यू नो सो मच हैज़ गॉन, यू नो सो मच हैज़ हैपेंड, तो ये सब आपको आप लोगों को भी लगेगा एक्चुअली। आल्सो यू आर यूनाइटिंग विद संजय दत्त इन हिज नेक्स्ट फिल्म प्रस्थानम। प्रस्थानम सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट। Well, I was super thrilled, maha thrilled that I got to work with him again, and it's his home production, and it's a remake of a South film, and the original director is making the Hindi version as well. It's a family drama, action-packed and political family dramas, and it's a typically that kind of a mold of a film, you know, and I'm really excited about it. So did you get confused between original Sanjay and real Sanjay? Yes, I did. I absolutely did. I did not know when Ranbir, I saw him, Ranbir playing Sanjay Dutt, I could not really say really that's Ranbir Kapoor playing Sanjay Dutt. I thought it's so close to the reality. He's acted so beautifully. We take the last two questions, please. What was the most challenging thing for you playing Ranbir? Well, actually, I just wanted to, because everybody is so top notch in this movie. I just wanted to be as good as other people, and I guess that was the most challenging thing. Okay, just few days to go. Audience से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस सबको आप सबको बोलूँगी कि आप आएँ थिएटर में आएँ and please watch the film. You won't go disappointed because you know ये फिल्म आपको हंसा देगी, आपको रुला देगी, and I'm sure you'll you know leave the theater with lots in your heart. Thank you so much. Thanks. Thank you.